हेलो यूनिवर्सल ट्रुथ फैमिली एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सक्सेस स्टोरीज, मंत्रास, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस एंड आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए उसे कैसे हासिल करना है उसके लिए यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल ट्रुथ एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपकी रियलिटी को तो शिफ्ट करेंगे ही, आपके विश को बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे जैसा कि आप चाहते हो। जैसे आप जिस टाइप की सिचुएशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो एग्जैक्ट वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही कंडीशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी और बिल्कुल वैसे होगी जैसे कि आपने सोचा है। और ये बताने से पहले मैं आपको यूनिवर्स के कुछ लॉज के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि आप सभी की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आपका जानना ज़रूरी है, आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के लिए आपका जानना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स के उस लॉ के बारे में जो बताता है कि इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी हर चीज़, हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा और जो सब कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए जो भी टेक्निक्स वगैरह आप करोगे उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ता है और ये प्रभाव बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसीलिए जब आप खुद कोई अफर्मेशन, मेडिटेशन या कुछ भी कोई भी टेक्निक करते हो तो यूनिवर्स खुद को रीअरेंज करने लग जाता है आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये चीज़ इतनी पावरफुल हो जाती है। चलिए बात करते हैं दूसरे लॉ की जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जहाँ पे आपका ये समझना ज़रूरी है कि जिस चीज़ पर, जिस वाइब्रेशन को आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो, जिस टाइप की वाइब्रेशन पे आप फोकस कर रहे हो बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो तो आपको अच्छी चीज़ों पे, अच्छी वाइब्रेशन पे फोकस करना होगा। जैसे आपकी लाइफ में मान लो सब कुछ सही चल रहा है लेकिन आपने कहीं और किसी और जगह से जैसे सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दिया तो आप एक लो वाइब्रेशन पे फोकस कर रहे हो, तो वहाँ से क्या होगा, आप अपने लाइफ में वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए कोशिश क्या करनी चाहिए हमें कि हम गुड वाइब्रेशंस पे रहें। और जैसा कि आपने ये कोट भी सुना है गुड वाइब्स ओनली, तो इसे सच में इसे फॉलो करने की हम सभी को ज़रूरत होती है। बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है, हम जैसे होते हैं हम उस चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि आपको कभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आते रहती हैं, कुछ आपके दिल से आवाज़ें आती हैं जो आपको कहती हैं कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए, वो आपके इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं, वो बहुत ही पीसफुल एंड काम वॉइसेस आपके अंदर से आ रही होती हैं, तो उन्हें आपको सुनना चाहिए और जो भी एक्शन लेने की आपके दिल से आवाज़ आए वो चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि उससे आपको 100% सक्सेस मिलती है। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी कह रही हूँ और करोड़ों लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और आपको भी ये एक्सपीरियंस होता होगा। बस आपका काम ये है कि थोड़ा अपने अंदर फोकस करिए और इसके लिए, इस आवाज़ को सुनने के लिए आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हो या सिंपली भी आप इस आवाज़ को सुन सकते हो। तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपकी मदद करते हैं, ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि आपको डायरेक्ट करते हैं कि कैसे आपको अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है। इन लॉज को आपको याद रखना पड़ता है और इसके साथ ही एक लॉ ऑफ कर्मा भी आता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप अच्छी वाइब्रेशन पे हो ही नहीं तो आप समझ सकते हो कि अगर आप रॉन्ग वाइब्रेशन पे जा रहे हो तो अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि जिस वाइब्रेशन पे आप हो आपको वही चीज़ मिलेगी। जैसे मान लो कि आप एक फियरफुल थॉट सोच रहे हो और सोच रहे हो कि आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपका काम पहले ये होना चाहिए कि उस फियरफुल थॉट को आप रिलीज़ कर दो, विलिंगनेस लाओ अपने अंदर उसे रिलीज़ करने की, और इसके बाद ईजिली जो भी चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन कुछ टेक्निक्स के बारे में जो कि आपके विश को एज इट इज़ रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर हैं। और ये टेक्निक्स, ये चीज़ें, ये हमेशा काम करेंगी, अभी भी काम करती हैं,
पास्ट में भी काम करती थी और फ्यूचर में भी हमेशा काम करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए अपने विश को एज इट इज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अपने आप में सबसे पावरफुल टेक्निक है, और इसके साथ में जो आगे टेक्निक्स बताऊंगी वो टेक्निक्स भी आपकी मदद करेंगी, और आप इन सभी टेक्निक्स को एक साथ कर सकते हो। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिले। जैसे मान लो आप एक न्यू कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप विजुअलाइज करो कि वो कार आप अभी इसी वक्त आपके पास है, उस कार को आप अभी ड्राइव कर रहे हो या उस कार के अंदर आप बैठे हुए हो, और इस चीज़ को कम्प्लीटली फील करो, अपने सेंसेस को यूज़ करो। जैसे कि आंखें बंद करो और फील करो कि आप उस कार के अंदर हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आप अपने लाइक घर से बाहर उस कार में घूमने जा रहे हो। इसी तरीके से अगर आपको एक डिज़ायर्ड पार्टनर चाहिए तो फील करो कि शादी जब आपकी उनसे होती है तो आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो। 2 मिनट 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए और आगे आप खुद ब खुद देखोगे कि अच्छे से विजुलाइज करना सीख जाओगे। पहले दिन करोगे आपको हो सकता है अच्छे से विजुलाइजेशन करना ना आए, लेकिन आप इसे कंटिन्यूअसली करते रहो, छोड़ो मत। बस एक बात याद रखो कि कभी किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, टिके रहिए, आपको अपने आप रास्ते मिलते हैं। जो लोग टिक जाते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग छोड़ के भाग जाते हैं वही अनसक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए आपको छोड़ के नहीं भागना है। आप ये भूल जाओ कि आप अनसक्सेसफुल भी हो सकते हो, एंड आप जब आपने स्टार्ट कर लिया है तो बस टिके रहो, ठीक है? टिके रहो, काम करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इतना याद रखो कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है ना ये करना है कि मतलब आपको अपने आप को ये देना ही नहीं है, ये आपको ऑप्शन देना ही नहीं है खुद को कि मैं फेल भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस फार्मूला है कि आपके दिमाग में ये थॉट होना ही नहीं चाहिए कि आप फेल भी हो सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, और सक्सेस ही मेरी रियलिटी है। चलिए बात करते हैं सेकेंड टेक्निक की, जिसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि आप अपनी विशेज़ को प्रेजेंट टेंस में लिखते हो। जैसे आप मान लो कोई ड्रीम जॉब चाहते हो, तो आप लिखोगे कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी ड्रीम जॉब दी है, मैं अपनी ड्रीम जॉब पे जाकर के बहुत खुश हूँ। और फिर आप आगे जो भी आपको लाइक फील होता है ड्रीम जॉब पे, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, और आप बहुत अच्छा फील करते हुए लिखो। पहले विजुलाइज करो कि आपको कैसा लगेगा जब आप ड्रीम जॉब पे जाओगे, या फिर आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, आपके मार्क्स जो एग्जैक्ट आप चाहते हो उसके बाद आपको कैसा लगेगा। थैंक यू से स्टार्ट करो, ये यूनिवर्स से स्टार्ट करो, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी वजह से मुझे मेरे डिज़ायर्ड मार्क्स मिले हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी है। इस तरीके से पहले आप सोचो कि वो चीज़ जब हो जाएगी तो कैसा आपको लगेगा, कैसा फील होगा, और फिर उस चीज़ को लिखो। चलिए बात करते हैं तीसरी टेक्निक के बारे में, जो कि आपकी एज इट इज सिचुएशन क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मेडिटेशन को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। और मेडिटेशन दो टाइप की होती हैं। पहला मेडिटेशन होता है आप अपने माइंड को काम एंड पीसफुल करने के लिए करते हो, वहीं दूसरा मेडिटेशन होता है जहाँ पे आप अपने आप को वो विजन्स देते हो, वो अफर्मेशंस देते हो जो कि आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो दोनों ही टाइप के मेडिटेशन आप डेली 5 मिनट 3 मिनट या 2 मिनट ज़रूर करिए। कम से कम 2 से 3 मिनट तक शांति से बैठने की प्रैक्टिस करिए, और फिर जिस टाइप के मैंने मेडिटेशंस अपलोड किए हैं जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए, वो मेडिटेशंस आप सुन सकते हो। आप रात में सोने से पहले भी सुन सकते हो, आप रात में प्ले करके छोड़ भी सकते हो। इनफैक्ट आप मेडिटेशंस को बस प्ले करके छोड़ दीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण करते रहता है, रिसेप्टिव होता है उसके प्रति, तो वो वहाँ से ले लेता है। चलिए बात करते हैं चौथी टेक्निक के बारे में, जिसे बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप कुछ नहीं कर रहे हो, मान लो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन आप पास सोचने का तो टाइम होता है। हमारे पास डेली 60 से 70 हज़ार थाट्स होते हैं। अगर वो थाट्स हम उनमें से कम 20-25 थाट्स ही अगर खुद के लिए अच्छे सोचें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हम सच में प्योर इंटेंशंस के साथ सोचें, जैसे कि आप अगर डेली 15 बार ही सोचो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं लवेबल हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं खूबसूरत हूँ,
मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, और खुद की अच्छाइयाँ आप देखने लग जाओ, खुद के बारे में अच्छा फील करने लग जाओ, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपकी जो भी विश है उससे रिलेटेड एक अफर्मेशन लीजिए, मिरर के सामने जाइए और डेली बेसिस पे 10, 20, 30 बार बोलिए और सेल्फ लव की अफर्मेशन ज़रूर बोलिए, और साथ में डेली फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए। एक अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ जो कि आप बोल सकते हो कभी भी डेली, आप में से हर किसी को, इनफैक्ट जितने भी लोग हैं इस धरती पे, डेली सभी को फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लोगों को बोलना चाहिए कि मैं सभी को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को माफ़ करने के लिए तैयार हो, ये आपको डेली बोलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और जब आप तैयार होते हो तो यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं और आपकी विशेज मैनिफेस्ट हो जाती है। चलिए लास्ट थिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है डिटैचमेंट, यानी कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने विजुलाइज कर लिया, आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने अफर्मेशन कर लिया, अब जो लास्ट चीज़ बचती है करने के लिए वो है लेट गो कर देना, यानी कि अपने विश के साथ, अपने मैनिफेस्टेशन के साथ में डिटैच हो जाना। इस विश्वास के साथ में आपको इन सभी चीज़ों को जाने देना चाहिए, यानी कि डेली बेसिस पे आपने काम किया और पूरे दिन में अपने विश के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपने लेट गो कर दिया। और जैसे कि आप ये सोच करके लेट गो करते हो इस फेथ के साथ में, इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि जो भी आपने मांगा है वो यूनिवर्स आपको डिलीवर कर रहा है, ठीक है। ना कि आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे कब मिलेगा कब मिलेगा, बल्कि ये कॉन्फिडेंस और फेथ होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है एंड यूनिवर्स इज़ डिलीवरिंग इट टू मी। एंड साथ में आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो वर्क कर रहा है, और बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में आते हैं, आ सकते हैं, रेजिस्टेंस से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो ये एक साइन है कि आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी चीज़ें काम कर रही हैं और डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है, तो ये भी एक साइन है। हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा अगर हम फियरफुल ना रहें, अगर हम खुद को अलाउ करें कि हमें सारी अच्छी चीज़ें मिले तो हमें वो सारी अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। इसीलिए आज के वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीट प्रोसेस बता दी विथ नॉलेज कि किस तरीके से यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, कैसे काम करते हैं, और ये लॉज हैं, ये चेंज नहीं होंगे, आपको इनके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। अगर गुड वाइब्स ओनली है तो आपको रखना पड़ेगा, यानी कि आपको अच्छी वाइब्रेशन पे रहना पड़ेगा अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। याद रखिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हैं। और एक एक्स्ट्रा जो टेक्निक मैं बताना चाहती हूँ वो है प्रेयर की टेक्निक, यानी ये सबसे ऊपर है, ऐसा समझ लो जैसे कि ये एक मास्टर की है। प्रेयर्स हमेशा सबसे ऊपर होते हैं, ये मास्टर की है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप यूनिवर्स के सामने अपने हाथों को जोड़ करके खड़े हो जाते हो और उनसे प्रार्थना करते हो कि मेरी मदद करिए, तो यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं पूरे दिल और विश्वास के साथ में। जब आप प्रार्थना करते हो तो यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करते हैं। और अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो ये भी यूनिवर्स ने ही पहुँचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप तक ये पहुँची है वीडियो तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इसके साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना, और साथ में कमेंट करना अपने क्वेश्चंस और वीडियो कैसी लगी। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग पूछते हैं कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो आपको स्क्रीन पे मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने इंस्टा एंड जीमेल की आईडी देती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हों, यूनिवर्स का आपको साथ मिले, यूनिवर्स आपके साथ है। लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।